देखिए बीजेपी हमसे जो वादा किया था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम सरकार बनते ही लागू करेंगे, और अमित शाह से लेके योगी से लेके सब झूठा निकले। इन लोगों ने रिपोर्ट तैयार 3 साल से नहीं किया। जातिवार जनगणना का वादा किया, नहीं किया। घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात किया, नहीं किया। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात किया, नहीं किया। इन्होंने कहा कि प्रदेश में अमन चैन भाईचारा ले आएंगे, नहीं किया। एक भी काम नहीं किया, तो फिर इनके साथ हम खाली झुंझुना बजाएंगे खड़ा होके? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि जो 2022 का चुनाव है उसमें आपकी क्या रणनीति है और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्र उदय पार्टी, भागीदारी पार्टी, अपना दल कमेरावादी, जनता उन्नत पार्टी और भारत माता पार्टी जो अलायंस है, इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है हम प्रदेश में जातिवार जनगणना, पहला काम। 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल लगातार देंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 3 साल से भारतीय जनता पार्टी दबा के रद्दी की टोकरी में रखी है, सरकार बनने के बाद सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के ललका सांड से योगी मोदी के किसान परेशान है, उस सांड से निजात दिलाने का काम करेंगे। जो सड़कों पर इनके योगी मोदी के ललका सांड से आम आदमी लड़ करके ट्रामा सेंटर में 70% लोग आ रहे हैं, उसे निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। जो प्रदेश में अमन चैन भाईचारा खत्म कर दिया है बीजेपी ने, जो पिछड़ों का हिस्सा लूट रहे हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे शुल्क प्रतिपूर्ति का मामला हो और चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, जब पिछड़ों को हक देने की बात आती है तब पिछड़ों का हिस्सा लूट रहे हैं। 27% रिजर्वेशन लूट लिया पिछड़ों का और 22.5% रिजर्वेशन लूट लिया दलितों का। उसी तरह जब सामान्य वर्ग को शुल्क प्रतिपूर्ति देना होता छात्रवृत्ति, तो 7 लाख बच्चों के लिए 700 करोड़ रुपया बजट होता है, वहीं जब 25 लाख बच्चे पिछड़े समाज के होते हैं तो उनके लिए भी 700 करोड़ रुपया अलाट करती है सरकार। तो पिछड़ों के साथ कितना बड़ा भेदभाव करती है, जबकि 4 गुना पैसा अलाट होना चाहिए, लेकिन ये सरकार शुद्ध रूप से पिछड़ों की दुश्मन है, दलितों की दुश्मन है। जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात आती है तो ये सरकार उससे मुकर जाती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था 80% 20%, तो फिर अभी हाल में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उन्होंने 85% और 15% की बात की, तो इस मामले में आपका क्या विचार है? देखिए पहले तो योगी जी टिकट मांगते मांगते थक गए, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भेज दिया और मठ में भेज दिया कि जाओ तुम्हारा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भेज दिया वहाँ। अब जहाँ तक सवाल है, जो उपेक्षित वर्ग है, वंचित वर्ग है, आज पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, राजभर है, ये तमाम ऐसी जातियाँ हैं, उन जातियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आप आरक है, बंजारा है, बहेलिया है, खंगार है, इन सब जातियों को राजनीति में आज तक पूछ नहीं है, तो इनको ऊपर उठाने के लिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, स्वाभाविक है कि 85% लोगों को हिंदू बना करके उनका हिस्सा लूटा जा रहा है, उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। सर आप कहते हैं कि जो जाति हैं वो तमाम अपने नेताओं के गुलाम बन गई हैं, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं आप? देखिए इस देश में जो नेता अपने हक के लिए न लड़े वो लोडर है, गुलाम है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 68,500 में घोटाला हूआ, छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति में घोटाला हुआ, तो इन सब मुद्दों पर जो पिछड़े दलित समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं तो उनको जबान खोलनी चाहिए ना, वो क्यों नहीं बोलते हैं? जब जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है, जब फर्जी इनकाउंटर होता, फेक इनकाउंटर होता पिछड़े दलित का, तब ये मूक दर्शक बने रहते हैं। जब थानों में सुनवाई नहीं होती गरीब कमजोर का, तो वहाँ इनकी हिम्मत औकात नहीं बोलती कि थाने पर फोन करके उस गरीब को न्याय दिलाने का काम करें, तो ये किस बात के लिए है? खाली वोट दिलाने के लिए है? सर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आपको राजनीतिक शूटर बताते हैं। तो हदम है तो वो गिरफ्तार कर लें, मर्द हैं तो अपने असल माँ बाप के पैदा हैं, अगर मेरे पास साक्ष्य है तो गिरफ्तार कर लें, मेरे खिलाफ अगर साक्ष्य है उनके पास तो मर्द हैं तो गिरफ्तार कर लें, हम तो बैठे हैं यहाँ खुलेआम रहते हैं, 24 घंटा घूमते हैं। तो आपको क्या लगता है ये बोलने की वजह क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी उनकी हताशा और निराशा, प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में हो गई है,
इनके महंगाई से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके बेरोजगारी से, इनके अन्ना पशु से जनता उब गई है। जनता आज के तारीख में देखिए, उनके कार्यालय चले जाइएगा, वहां माछी नहीं पहुंच रही हैं, कुत्ते नहीं जा रहे हैं। और यहीं देखिए, अभी तो अभी जस्ट हम आए आपके सामने, 200 लोग हैं नहीं है, बैठ के इंतजार कर रहे हैं। उनके कार्यालय जाके देखिए, माछी भी नहीं दिखाई दे रही है। ये तो चुनाव आयोग को चाहिए कि आचार संहिता जो लगी है, अब वो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उसका पालन कराए। सर, आपने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, फिर उसके बाद आप उससे निकले, अखिलेश यादव के साथ आए, तो इसके पीछे की वजह की? नहीं देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे आपके सामने बैठे हुए हैं माननीय बाबूराम पाल जी हैं, इनकी पार्टी है राष्ट्र उदय पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति उनकी पार्टी भागीदारी पार्टी, हमारे रामसागर बिंद जी हैं उनकी पार्टी है भारत माता पार्टी, हमारे अनिल चौहान जी हैं उनकी पार्टी है जनता उन्नत पार्टी, कृष्णा पटेल हैं उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी, संजय चौहान जी हैं, केशवदेव मौर्या जी हैं, इतने लोग हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ही हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ। सर, आप एक भूल रहे हैं, ओवैसी भी जी थे, तो अगर आपको क्या लगता है ओवैसी जी आपसे नाराज नहीं होंगे? नहीं देखिए, हमने कहा कि जिसको भी जिस इलाके में जिसका जितना प्रभाव है उस हिसाब से चुनाव लड़े, हमारी जाति पूरे प्रदेश में हो, हमारे साथ कितना निर्भर तो वो करता है ना। हम 100 सीट लड़ करके एको न जीते, हम 10 सीट लड़ के 10 जीत जाएं, ये बेहतर है। हम यही राय सबको दिए, तो जिसको पसंद था कि हम कम सीट लड़के जीत के आ जाएंगे वो तो हमारे साथ है, जो ज्यादा सीट की डिमांड रखे तो उनको छोड़ दिया। सर, आप कहते हैं कि बीजेपी ने आपको उचित सम्मान नहीं दिया, तो ऐसा क्या? देखिए, बीजेपी हमसे जो वादा किया था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम सरकार बनते ही लागू करेंगे, और अमित शाह से लेके योगी से लेके सब झूठा निकले। इन लोगों ने रिपोर्ट तैयार 3 साल से नहीं किया, जातिवार जनगणना का वादा किया नहीं किया, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात किया नहीं किया, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात किया नहीं किया, इन्होंने कहा कि प्रदेश में अमन चैन भाईचारा ले आएंगे नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। तो फिर इनके साथ हम खाली झुंझुना बजाएंगे खड़ा होके? इस नाते हमने इस्तीफा दे करके 18 महीने में ही जब देख लिया कि शुद्ध रूप से पिछड़े दलित वंचित के दुश्मन हैं, तो मैं इस्तीफा दे करके चला आया। सर, आपको क्या लगता है कि आपको इस गठबंधन में कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में, ये बाजा बजेगा 10 तारीख को। सर, द प्रिंट से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर को फॉलो करें। आप, मैं गौरव, आप देखते रहिए द प्रिंट।